हेलो गाइस, आज की वीडियो में बात करेंगे 6 साइंस जिनसे पता चलेगा कि आपका रिलेशनशिप जो है वो एक टाइम पास है, वो रियल लव नहीं है। इस टॉपिक पर बात करने से पहले मैं कहूँगा प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को ताकि आने वाली हर एक वीडियो आपकी हेल्प कर सके। और अगर आपके क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हैं इंस्टाग्राम पर, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है। सो वो 6 साइंस कौन से हैं जिनसे हमें पता चलेगा कि रिलेशनशिप जो है वो जस्ट टाइम पास है, वो प्यार नहीं है। साइन नंबर 1 है जिससे पता चलेगा कि आपका रिलेशनशिप सिर्फ टाइम पास है, वो है कि वो आपसे कहेंगे कि वो आपसे शादी नहीं करना चाहते। हाँ यस, ये एक रियलिटी है। अगर आपका बॉयफ्रेंड या आपकी गर्लफ्रेंड आपसे कहते हैं कि वो आपसे शादी नहीं करना चाहते, मंगनी नहीं करना चाहते, आगे नहीं कुछ फ्यूचर देख रहे हैं, तो इस चीज़ को एक्सेप्ट करें। ज़्यादातर लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं करते, वो रिलेशनशिप को ड्रैग करने की कोशिश करते हैं, चाहते हैं कि किसी तरह उनका माइंड चेंज हो जाए। उनका माइंड चेंज सिर्फ तभी होगा जब आप अवेलेबल नहीं होंगे, तो वो आपको मिस करेंगे और शायद उनका माइंड चेंज हो, या अगर वो किसी और को अप्रोच करेंगे और फिर उनको आपकी कदर का अंदाज़ा होगा, तो उस सूरत में हम कह सकते हैं कि उनको आपकी कदर होगी। अदरवाइज़ कभी भी किसी को लफ्ज़ों से या स्टोरी सुना के ऐसे कन्विंस करने की कोशिश मत करें कि एकदम वो आपसे प्यार करने लग जाएं और दोबारा ये सोचें कि आपसे शादी करनी है। नहीं, अगर वो आपको मुंह से कहते हैं कि नहीं शादी हो सकती और कोई फ्यूचर नहीं है, तो एक्सेप्ट करें। आप भी टाइम वेस्ट मत करें और उस रिलेशनशिप से बाहर निकलें और उसको छोड़ दें। अच्छा, दूसरा साइन जिससे पता चलेगा कि आपके साथ टाइम पास हो रहा है या सचमुच में आप रिलेशनशिप आपका रियल लव है, वो ये है कि They don't contact you first. Yes, अगर आप ही चेस कर रहे हैं, आप ही डेली कॉल करते हैं, डेली मैसेज करते हैं, आप ही चेस करते हैं, तो इसका मतलब है वो आपको सिर्फ टाइम पास समझते हैं, ठीक है, वो आपको कोई सच में प्यार नहीं करते। तो इसलिए अपने आप को इमोशनली स्ट्रांग बनाएं। ज़्यादातर लोगों का मसला ये है कि वो रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं करते। इमोशंस जो है ना, वो सबसे बड़े दुश्मन हैं इंसान के, क्योंकि इमोशंस जो हैं वो आपको ग़ुलाम बनाते हैं, ठीक है। इमोशंस का सही जगह पे इस्तेमाल करें, इमोशंस को मोटिवेशन में इस्तेमाल करें, इमोशंस को प्यार करें तो फैमिली से करें, माँ बाप से करें, उसमें इमोशंस का इस्तेमाल करें, ना कि आप इमोशंस का इन रिलेशनशिप में इस्तेमाल करें। इमोशंस जो हैं वो आपको ब्लैकमेल करते हैं, आपको लगता है कि बस यही मेरा सच्चा प्यार है, और आप पिस रहे होते हैं, गालियां खा रहे होते हैं, ब्लॉक हो रहे होते हैं और फिर अनब्लॉक हो रहे होते हैं। मुझे कोई एक बार ब्लॉक करे, मैं ज़िंदगी भर उसकी तरफ मुड़ के भी नहीं देखूंगा, क्योंकि इतना टाइम ही नहीं है। जब मुझे पता है कि मैं अपनी तरफ से ठीक हूँ, तो मैं क्यों गलत बात बर्दाश्त करूँ, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि लोगों की कोई डिग्निटी नहीं है, लोगों की कोई खुददारी नहीं है, और जिस इंसान में कोई डिग्निटी नहीं होती उसकी कोई कदर नहीं करता, ठीक है, उसकी फैमिली दोस्त कोई भी कदर नहीं करता। तो इसलिए आपको थोड़ा बहुत स्ट्रिक्ट होना पड़ता है। अगर आपको वो कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं फर्स्ट, तो क्यों पीछे पड़ रहे हैं, आप भी छोड़ दें, मिरर करें। मैं तो हमेशा कहता हूँ लोगों को मिरर किया करें कि जैसा वो एक्ट करें आप भी वैसा एक्ट करें। तीसरी चीज़, वो सिर्फ मतलब के लिए आपसे बात करते हैं। यस, अगर एक टाइम पास रिलेशनशिप में ना, लोग सिर्फ मतलब के लिए बात करते हैं, या तो उसको कोई चीज़ चाहिए वो आपको कॉल करेगी, या वो आपसे पैसों की डिमांड करेगी, या जब इमोशनली फूल होगी, रोतू धोतू होगी, तभी आपको कॉल करेगी। ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है रिलेशनशिप में कि लड़की जिसको आप अपनी गर्लफ्रेंड समझ रहे हैं और अपना सच्चा प्यार समझ रहे हैं, वो आपको सिर्फ तब कॉल करती है जब उसको अपना दुख शेयर करना होता है। वैसे वो आपको मुँह भी नहीं लगाएगी, पार्टीज करेगी, घूमेगी, ऐयाशी करेगी, लेकिन जब उसको अपनी सैडनेस शेयर करनी होती है, तब वो आपको रابطہ करती है। अब उसको बेसिकली एक कंधा चाहिए जिसके ऊपर वो रो सके। सो कंधा मत बने, ठीक है, और ख़ुद को, अगर आपके पास टाइम है, ठीक है, तो आप उसे सुने और उसकी हमदर्दी करें। लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है, आप एक बिजी पर्सन है और उसके लिए टाइम निकाल रहे हैं, क्योंकि अक्सर होता है इमोशंस में आके हम अपने गोल से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। मुझे आके लड़के बताते हैं, पहले मैं जिम जाया करता था और मैं एकेडमी जाता था और मैं प्रैक्टिस करता था और ये और वो, और अब इसकी कॉल आ जाती है तो मैं उसको ना भी नहीं कह सकता बिकॉज आई लव हर सो मच और ये वो। तो आप अपने साथ गलत कर रहे हैं, उसको बताएं कि अगर मैं अच्छा फ्यूचर में बना तो तुम्हारा ही फ़ायदा है ऑफ कोर्स, और मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तो अपने तरफ से हमेशा कम्युनिकेशन को क्लियर रखा करें,
रिलेशनशिप में हमारी एक ये भी गलती होती है, हमें लगता है दूसरा इंसान समझ जाएगा, नहीं, खुद से कोई नहीं समझता जब तक आप उसे समझाएंगे नहीं, ठीक है। चौथी चीज़ जिससे पता चलेगा कि आपका रिलेशनशिप टाइम पास है या सच में रिलेशनशिप है, वो ये कि दे आर सेल्फिश विद यू, ठीक है। जैसे कि मैं पहले कहा, मोस्ट ऑफ द टाइम वो सेल्फिश होते हैं और वो अपनी प्रॉब्लम बताने के लिए तो आपको कॉल करेंगे, लेकिन जब आपकी प्रॉब्लम सुननी होती है या जब आपको नीड होती है तो वो आपकी कॉल भी नहीं उठाते और आपसे बात नहीं करना चाहते। पांचवी चीज़ ये कि दे डोंट लिसन टू यू, बस वो अपनी ही साइड बताते हैं, बोलते रहते हैं, उन्हीं की प्रॉब्लम्स हैं, आपकी प्रॉब्लम्स हैं ही नहीं जैसे, या आपकी के अंदर कोई प्यार है ही नहीं जैसे, वो बस अपनी साइड की बातें करेंगे, प्यार 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 और अपनी प्रॉब्लम्स और अपनी ज़िंदगी और अपनी ख्वाहिशात और अपनी फेवरेट मूवी और अपना फेवरेट सॉन्ग, आपका जैसा कुछ है ही नहीं, आप एक डस्टबिन है जहाँ पे वो अपने इमोशंस को फेंकते हैं बार बार, ठीक है। छठी चीज़, यू आर नॉट देयर प्रायोरिटी। हाँ, छठी चीज़ ये है कि अगर आप उनकी प्रायोरिटी नहीं है तो ये रिलेशनशिप टाइम पास है, क्योंकि जो सच में प्यार करता है वो आपसे बात करना चाहता है, वो प्रायोरिटी समझता है, वो आपके साथ फ्यूचर देख रहा है। जिसको टाइम पास करना है उसे टाइम पास करना है, फजूल की बातें करके, सेक्सुअल जोक करके या इस तरह की टाइम पास करके, तो इसलिए आपको इस चीज़ का ख्याल रखना है। और आखिरी चीज़, बल्कि एक सातवां पॉइंट भी मेरे दिमाग में आ गया जो मैं बताना चाहता हूँ, ये कि अगर वो किसी और के साथ फ्लर्ट करते हैं तो इस चीज़ को भी दिमाग में रखें कि दे आर नॉट सिंसियर विद यू, वो जस्ट टाइम पास कर रहे हैं, क्योंकि जो सचमुच में प्यार करता है ना, वो दूसरों के साथ फ्लर्ट नहीं करता, ठीक है। वो और अक्सर जब लड़के पकड़े जाते हैं और लड़कियां दोनों जब पकड़ी जाती हैं और आप उनसे कहते हैं कि आप क्यों ऐसा कर रही थी, उससे क्यों बात कर रही थी या दूसरे लड़के के साथ क्यों फ्लर्ट कर रही थी, तो वो कहेगी कि नहीं, प्यार तो मैं तुमसे ही करती हूँ ना, वो तो मैं ऐसे ही टाइम पास कर रही थी। या लड़के भी अक्सर बोलते हैं कि मैं तो तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तो बस ऐसे ही बात कर रहा था, क्या हो गया, लेकिन ऐसे ही क्यों बात करनी है। इट मीन्स आपका पेट नहीं भर रहा एक चीज़ से, सही है, तो इट मीन्स आपके अंदर कुछ है प्रॉब्लम जिसकी वजह से आपके अंदर कुछ आपको काट रहा है अंदर से, जिसकी वजह से आप रिलेशनशिप ढूंढ रहे हैं दूसरे, तो इट मीन्स आप सिंसियर नहीं है, आपके करेक्टर में प्रॉब्लम है। तो ऐसे इंसान को कभी बर्दाश्त मत करें, जो आज कर रहा है वो बार बार चीटिंग करेगा, आगे भी करेगा, शादी के बाद भी क्या पता करेगा, तो इसलिए डोंट बी इमोशनल फूल एंड डोंट डू दिस। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, यू हैव अ गुड डे।